31 मई 1991 धनु के चेहरे के भाव देखकर सुरक्षा घेरे में तैनात अनुसुईया को शक हुआ। उसने उसे वही रोक दिया, लेकिन तभी उन्होंने कहा सभी को आने दीजिए। धनु उनके पास गई और चंदन की माला पहनाई। उसके बाद वह पैर छूने के लिए झुकी। वो उसे ऊपर उठा ही रहे थे कि तभी जोर से एक धमाका हुआ और इस धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश ने एक ऐसा लीडर खो दिया जो यदि आज जिंदा होता तो भारत की तस्वीर में कुछ अलग ही रंग भरे होते। राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुई, लेकिन उनकी हत्या की साजिश 1983 में बनना शुरू हो गई थी। या फिर ये कहे कि राजीव गांधी के एक बयान ने लिट्टे की नींद उड़ा दी थी, जिसके बाद लिट्टे ने उनकी हत्या की साजिश रचना शुरू कर दिया था। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मैं सद्देका मनोहर सोनी आपके साथ। देश के उस महान नेता की जयंती है जिसने सिर्फ अपनी भारत माता के बारे में सोचा, जिसका सपना था देश को विश्व पटल पर सबसे ऊपर रखने का। 21 मई 1991 को लिट्टे की एक साजिश का शिकार राजीव गांधी बने। राजीव गांधी की शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लिट्टे की ये योजना कामयाब नहीं होती तो लिट्टे की दूसरी योजना भी तैयार थी। लिट्टे ने राजीव गांधी को मारने के लिए महिलाओं को अपना मानव बम हथियार बना लिया था। धनु के बाद शुभा और अतीरे इस वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार थी। राजीव गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचने में अतीरे का नाम भी सबसे ऊपर लिया जाता है। अतीरे वो महिला थी जिसने अपना नाम बदलकर सोनिया रखा और दिल्ली के मोतीबाग इलाके में रहने लगी। ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसने पूरे देश को दहला दिया और सवाल खड़ा कर दिया कि जब हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो फिर एक आम नागरिक कैसे सुरक्षित हो सकता है। ऐसा क्या हुआ कि लिट्टे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मारने के लिए इतना बेसब्र था, और ऐसी क्या बात थी कि ये तीनों महिलाएं अपनी जान को न्योछावर करने के लिए तैयार हो गई। राजीव गांधी की हत्या का राज श्रीलंका की आज़ादी में छिपा है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंहली लोग बहुसंख्यक थे, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में तमिल भी थे और वह वहाँ लगातार उपेक्षा के शिकार हो रहे थे। साल 1972 में श्रीलंका का संविधान बना था जहाँ बौद्ध को देश को प्राथमिक धर्म घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण तमिल लोग हर तरह से देश के हाशिए पर जाते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि हाशिए पर धकेले गए तमिलों ने हथियार उठा लिए। एक तमिल युवा वेलु पिल्लई प्रभाकरण ने संगठन बनाया जिसका नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईएल यानी लिट्टे रखा गया। लेकिन 80 के दशक पर आते आते लिट्टे की पहचान एक आतंकी संगठन के तौर पर होने लगी। 23 जुलाई 1983 का वो दिन जिसके बाद श्रीलंका के गृह युद्ध का छिड़ गया था, क्योंकि लिट्टे ने श्रीलंका सेना के 13 जवानों की निरसंग हत्या कर दी थी। ये लड़ाई अब सिंहली और तमिलों के बीच की हुई, जिसने श्रीलंका की सरकार भी इस लड़ाई में के मैदान में उतर आई। इस गृह युद्ध के चलते साल 1987 में भारत और श्रीलंका सरकार के बीच में एक शांति समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि भारत लिट्टे के हथियार रखवा देगा और शांति कायम करेगा। समझौते वाले दिन ही भारत ने अपनी सेना श्रीलंका भेज दी थी, जिसका नाम इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF रखा गया। इसके बाद लिट्टे भी अपने हथियार डालने को तैयार हो गया था। लिट्टे के कई आतंकी सरेंडर करने लगे थे, लेकिन इसी बीच अक्टूबर महीने में श्रीलंका की सेना ने लिट्टे के दो कमांडरों को पकड़ लिया था। उन्हें पलाली और श्रीलंका की सेना और IPKF की साझा विरासत में रखा गया। IPKF लिट्टे के दोनों कमांडरों को श्रीलंका सरकार को सौंपने के लिए मान गया था, लेकिन यहीं इन कमांडरों ने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद लिट्टे और IPKF के रिश्ते बुरी तरीके से बिगड़ गए। 13 अक्टूबर 1987 को भारतीय फोर्स ने ऑपरेशन पवन चलाया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए। इस दौरान भारतीय सेना श्रीलंका में 3 साल तक रही और 24 मार्च 1990 को IPKF का आखिरी बेड़ा भी श्रीलंका से वापस लौट आया। माना जाता है कि श्रीलंका में भारतीय सेना का ये अभियान राजीव गांधी की हत्या का कारण बना। लिट्टे के आतंकियों का मकसद अब बदला लेना था। राजीव गांधी की सरकार के समय ही श्रीलंका में भारतीय सेना भेजी गई थी। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में जब गृह युद्ध चल रहा था, उसी दौरान लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण को दिल्ली बुलाया गया, जहां उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। कहा जाता है कि ये मुलाकात अच्छी नहीं रही। तभी प्रभाकरण ने सोच लिया था कि इसका बदला लिया जाएगा। साल 1989 में राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी। बाद में भारत में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। इसी बीच अगस्त 1990 में राजीव गांधी ने एक साक्षात्कार में श्रीलंका के साथ हुए शांति समझौते का समर्थन किया।
उन्होंने अखंड श्रीलंका की बात कही और इसी से लिट्टे का अलग इलम का सपना टूट गया। राजीव गांधी के श्रीलंका के प्रति रुख से लिट्टे को डर था कि उनका प्रधानमंत्री बनना उनके लिए घातक हो सकता है। लिट्टे के इसी डर ने उनकी हत्या की साजिश रची। इस साजिश के मुख्य पात्र थे लिट्टे का मुखिया वेलुपिल्लई प्रभाकरण, लिट्टे की खुफिया इकाई का मुखिया पोहू ओमान, महिला इकाई की मुखिया अकीला और शिवरासन। यह जानना जरूरी है कि राजीव गांधी की हत्या का मास्टरमाइंड शिवरासन ही था। राजीव गांधी के इंटरव्यू में कुछ महीनों बाद ही लिट्टे आतंकी अलग अलग टुकड़ियों में शरणार्थियों के तौर पर भारत आने लगे। 1 मई 1991 को शिवरासन अपने साथ धनु, उसकी सहेली शुभा समेत 9 लोगों को भारत लेकर आया। 12 मई को सभी ने वीपी सिंह की रैली में प्रैक्टिस की और 21 मई को राजीव गांधी की हत्या कर दी। अतिरे दिल्ली में कहां रहेगी, इस काम के लिए शिवरासन ने श्रीलंका सरकार के रिटायर्ड अफसर कंगा सभापति को लगाया। कंगा सभापति ने मोतीबाग के मकान नंबर A233 को किराए पर लिया। ये घर राजीव गांधी के घर 10 जनपद से मात्र 8 किलोमीटर दूर था। वही पोटू अमान इस पूरी वारदात को दिल्ली में अंजाम देना चाहता था, लेकिन शिवसेना को पूरा यकीन था कि वो इसे श्री पोरबंदर में ही अंजाम दे देगा। मई 1991 में एक संदेश में पोटू ओमान ने शिवरासन से पूछा, दिल्ली में क्यों नहीं? तब शिवरासन ने जवाब दिया, मुझे यकीन है मैं इसे यहाँ भी अंजाम दे दूंगा। लिट्टे की इस आतंकवादी घटना के चलते देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री खोया जो देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का हौसला रखता था। राजीव गांधी को हमने 32 साल पहले खो दिया था, लेकिन राजीव गांधी की शख्सियत आज भी देश के हर वर्ग और हर नेता को सीख देती है। नमस्कार।